हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज दिन की छह बड़ी और अहम खबरों का। आपको बता दें, कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सीएम योगी वाराणसी के लिए कल रवाना होंगे, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसके मद्देनजर कई स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी कई जगह पर जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, क्योंकि 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है। अगली अहम खबर आ रही है बदायूं से, जहां पर एक फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस आग को देखते हुए 4 लोग झुलस गए हैं, 5 लोग झुलस गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 5 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या फैक्ट्री के पास पहले से ही फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी था कि नहीं, और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। चौथी खबर आ रही है गोंडा से, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई दिखाएंगे। जब रोपड़ टू बांदा मुख्तार अंसारी आ रहा था तो किस तरह इस माफिया की तस्वीर नजर आई है, और ये पहली बार है जब अपने स्वास्थ्य कारणों के बाद माफिया मुख्तार अंसारी कानपुर देहात में बिना व्हीलचेयर के नजर आया है। तो बता दें आपको कानपुर देहात से बड़ी खबर मुख्तार की यूपी वापसी से जुड़ी है। बिना सहारे के एम्बुलेंस से उतरा था माफिया मुख्तार अंसारी। ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ना व्हीलचेयर है ना कोई सहारा है, और देखिए किस तरह माफिया मुख्तार अंसारी कानपुर देहात में ऐसे उतरा है। रुका था मुख्तार अंसारी का काफिला, सटी थाने में मुख्तार को लेकर पुलिस टीम आ रही थी। 6 तारीख को रोपड़ जेल से बांदा लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी, जबकि मोहाली कोच में व्हीलचेयर पर पेश हुआ था माफिया मुख्तार अंसारी। और ये कानपुर देहात की माफिया मुख्तार अंसारी की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। जो बहानेबाजी माफिया मुख्तार अंसारी कर रहा था, उसके राज क्या है, और कई सारे सवाल इस तस्वीर को देखकर अपने आप खड़े होते हैं। क्योंकि जब भी पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही थी तो स्वास्थ्य का कारण ही बताया जा रहा था, लेकिन आज जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उससे तो यह साफ तौर पर जाहिर है कि कोई ना कोई बड़ा बहाना माफिया मुख्तार अंसारी कर रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सलीम सिद्दीकी का। सलीम, ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये काफी कुछ बयां कर रही है। इतने समय से आखिर बहानेबाजी क्यों कर रहा था माफिया मुख्तार अंसारी? ना ही कोई व्हील चेयर है, ना ही किसी का सहारा है, उसी डॉन वाले अंदाज में नजर आया माफिया। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब में ही, पंजाब की जेल में ही रहे, उसे यूपी नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन इस दरमियान जब न्यायालय ने आदेश कर दिया और उसके बाद पुलिस का पूरा हमला पंजाब से जो है मुख्तार अंसारी को लेने पहुंचा, और उस दरमियान जो है लगातार देखा गया कि मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर नजर आया। उसको बताया गया कि उसकी कई बीमारी तो ग्रसित है, बीमार है, चलने फिरने से मोहताज है। लेकिन जब तकरीबन 350-400 किलोमीटर का सफर तय कर उसका काफिला कानपुर देहात पहुंचा और सट्टी थाने में काफिला रोका गया शौच क्रिया के लिए, उस दरमियान जो फोटो वायरल हो रहा मुख्तार अंसारी का, वो पहले के माने बिल्कुल दबंग दौर, दबंग जैसे जिस तरह पहले उसका रुआब था, पहले उसका क्रूर घमंड था, बिल्कुल वही नजर आया। सीना तान के छाती ठोक कर वो चलता नजर आया। जी शुक्रिया सलीम जानकारी देने के लिए। कानपुर देहात में मुख्तार अंसारी का काफिला रुका था, और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देखे हैं वो कानपुर देहात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्तार अंसारी का काफिला रुका था, इसी अंदाज में नजर आया था माफिया मुख्तार अंसारी। एम्बुलेंस मामले में जो बाराबंकी की एम्बुलेंस देखने को मिली थी पंजाब में रोपड़ जेल में, जिस एम्बुलेंस से कोर्ट में पेशी हुई थी माफिया मुख्तार अंसारी की, जिस एम्बुलेंस में डॉक्टर अलका राय का नाम भी सामने आया था, उसको लेकर अब बाराबंकी की पुलिस बांदा में जाकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्राइवेट
अस्पताल की एम्बुलेंस मामले में मुख्तार से पूछताछ होगी। बाराबंकी पुलिस की टीम बांदा जेल जाकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। कई वीडियो पुराने फोटोज में एम्बुलेंस प्रयोग के तथ्य भी सामने आए हैं। कब से और किस अधिकार से एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया, इस पर पूछताछ की जाएगी। तो एम्बुलेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। तो देखिए, एक के बाद एक जो भी आपराधिक मामले माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज है, जिसका ब्यौरा भी यूपी सरकार ने पेश किया था, उसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई के तौर पर ये एक्शन लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। इसके क्या जानकारी मिल पा रही है? पहली तो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि कानपुर में बिना व्हीलचेयर के, बिना किसी सहारे के माफिया मुख्तार अंसारी नजर आ रहा है, और अब उस एम्बुलेंस पर भी बाराबंकी पुलिस जो है बांदा जाकर माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी, जिसमें डॉक्टर अलका राय का नाम फंसाया जा रहा था। एम्बुलेंस कहीं ना कहीं उन मरीजों के लिए होती है जिनको कोई गंभीर समस्या हो और अस्पताल ले जाया जाता है। अमूमन एम्बुलेंस की जांच पुलिस नहीं करती है जब तक कि कोई खास इनपुट ना हो, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी पुलिस की इसी सबसे बड़ी चीज का लगातार फायदा उठा रहा था, वो एम्बुलेंस का प्रयोग कर रहा था। तो बड़ा सवाल यही है कि एम्बुलेंस आखिर वो कब से प्रयोग कर रहा था और किन किन चीजों में उसने इसका प्रयोग किया है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एम्बुलेंस के जरिए ही कई घटनाओं को भी अंजाम दिया हो? और जब अगर हम पंजाब की तस्वीरें देखें, जब आई थी तो उस दौरान एक ऐसी एम्बुलेंस सामने आई जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो अलका राय के डॉक्टर के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने जहां डॉक्टर अलका राय साथ ही साथ में माफिया मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया था और लगातार उसकी जांच चल रही है। एक एम्बुलेंस लावारिस हालत में पंजाब से बाराबंकी पुलिस को मिली थी, वो एम्बुलेंस हालांकि बाराबंकी पुलिस ले आई है, लेकिन बहुत ज्यादा आशंका यह है कि ये डमी एम्बुलेंस है और ये वो एम्बुलेंस नहीं है जिससे माफिया मुख्तार अंसारी चलता था। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस एम्बुलेंस का प्रयोग वो किस तरीके से करता था और जिस एम्बुलेंस से वो चल रहा था उसको कहां गायब कर दिया और किस अधिकार से वो एम्बुलेंस का प्रयोग कर रहा था। तो इन सारी चीजों को लेकर बाराबंकी पुलिस अब बांदा जाएगी, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी से इन सारे विषयों पर पूछताछ होगी। तो निश्चित ही एक और मुकदमा माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले को समझाइएगा। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर जो खबरें सामने आई थी, जितने भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, एक बात तो तय है कि उन सभी आपराधिक मामलों पर एक के बाद एक अब कार्रवाई करती हुई नजर आएगी यूपी पुलिस। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें माफिया मुख्तार अंसारी पर 52 मुकदमे थे जिसकी लिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की थी आधिकारिक तौर पर। अब एक मुकदमा बाराबंकी में और दर्ज हुआ था फर्जीवाड़ा, जो कि एम्बुलेंस को लेकर हुआ है, उसको मिलाकर 53 मुकदमे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं माफिया मुख्तार अंसारी के पंजाब में रहने के दौरान इन सभी मुकदमों का जो ट्रायल है वो कोर्ट में चल रहा था, उसमें मुख्तार की पेशी नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि यूपी पुलिस की गिरफ्त में है मुख्तार, तो ऐसी स्थिति में पुलिस की कोशिश यही होगी कि सभी मामलों का ट्रायल तेजी के साथ कराया जाए, उसमें सजा हो और जिस भी में जरूरत हो माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी कराई जाए। जैसे कि आज भी एक केस सीजेएम कोर्ट में था जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार पुलिस काम कर रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी मामलों में उसको सजा दिलाई जाए जो कहीं ना कहीं लंबे समय से पेंडिंग थे। तो काफी लंबित मामले हैं जिस पर अब एक एक करके कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया इसके बाद पे जानकारी देने के लिए। अगली अहम खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वनाथ मंदिर का अब सर्वेक्षण किया जाएगा, ये अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये काफी बड़ा और अहम फैसला लिया है। आपको जानकारी दे दें कि विश्वनाथ मंदिर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा। पुरातत्व विभाग में 5 लोगों की टीम सर्वेक्षण करेगी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुनवाई खत्म हुई थी, जज ने ट्रांसफर हैंडओवर देने से पहले ये अहम फैसला सुनाया है। तो विश्वनाथ मंदिर को लेकर वाराणसी से यह अहम खबर आई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 लोगों की टीम सर्वेक्षण करेगी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुनवाई इस पूरे मामले पर खत्म हुई थी, जज के ट्रांसफर हैंडओवर देने से पहले ये अहम फैसला सुनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं आकाश का, हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से वाराणसी से यह अहम फैसला आया है। बिल्कुल कंचन, जैसे अध्याय में था कि अयोध्या एक झांकी, अभी मथुरा और काशी है, तो आज काशी का भी फैसला ये बिल्कुल अहम माना जा रहा है। ये फैसला काफी दिन से अटकले में थी, हालांकि आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पुरातत्व विभाग को ये सौंपी जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार को ये सौंपी जाएगी, उनके अपने खर्चे पे ये
सर्वेक्षण करने के बाद ये पता कर लेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में शिव मंदिर का अंश है कि नहीं। ये लगातार हिंदू पक्ष का दावा किया जा रहा था कि मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है, हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि जहां पे मस्जिद बनी है उसके वहां पे मंदिर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात संजन आपको बता दें कि वहां पे नंदी की मूर्त है, जहां पे वो मूर्त का सिर यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। एक बड़ा संदेश ये जाता है कि मस्जिद के नीचे ही शिवलिंग का, ये 100 फीट का शिवलिंग है जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष का। अब देखना है पुरातत्व विभाग के द्वारा क्या साक्ष्य सामने आते हैं। ठीक है, ठीक है, आकाश बने रहेगा आप हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, बहुत सारी बहस हम लोगों ने की, साहब अभी इस स्टेज पर सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आज आदेश पारित करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के लिए विश्वनाथ जी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। अब क्या फैसला आया कि अभी फैसले की काफ़ी उपलब्ध होने के बाद, स्टडी करने के बाद ही हम विस्तृत रूप से बता पाएंगे। बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। इसलिए अगर यह साक्ष्य आ जाएगा कि वहाँ मंदिर के अवशेष पुरातन थे हैं और उसको तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया है, तो वादी पक्ष के में फैसला आने में देर नहीं लगेगी। अब आगे का क्या कार्रवाई होगी? आगे इस सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के इसी बीच आगे बढ़ते हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में अहम दौरा है। जिस हिसाब से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर प्रदेश की सरकार चिंतित है, कोरोना को लेकर जायजा लेंगे। और इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि कई जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कानपुर और झांसी में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई थी कि बंगाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए वापसी की है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आकाश का। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, उत्तर प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने कई 7 शहरों में बताया जा रहा नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, अवेयरनेस भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जारी है, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी में काफी अहम माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा। जी बिल्कुल कंचन, आपको बता दें कि वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कल देर रात ही आज के दिन यानी कर्फ्यू को लागू करने का आदेश दे दिया है। आज रात 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक ये रात्रि कर्फ्यू रहेगा। उसके साथ साथ धर्म आध्यात्मिक नगरी काशी कही जाती है। हालांकि दशाश्वमेध घाट पे जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती थी, उस आरती में सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती थी, हालांकि अब वो भीड़ नहीं रहेगी, वो भीड़ हटा दिया जाएगा। अब आरती केवल प्रतीकात्मक रूप से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो कल दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे। वाराणसी सबसे पहले बीएचयू जाएंगे, उसके साथ अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों से एक लंबी बैठक चलेगी। यह रणनीति तैयार की जाएगी बनारस में कोरोना को किस तरह से लड़ा जाए और कोरोना पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर एक बैठक में यह संदेश देंगे। तो किस तरह से कोरोना से जीत हासिल की जाए और कैसे लड़ा जाए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है। 4 शहरों में स्कूल और कॉलेजेस को साफ तौर पर बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। जानकारी दे दें आपको, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ में स्कूल और कॉलेजेस बंद है। 17 अप्रैल तक चारों जिलों के डीएम के आदेश पर स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर बड़ा फैसला, कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ, इन 4 शहरों में स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। 17 अप्रैल तक चारों जिलों के डीएम के आदेश पर स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है।
तो उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। जिस तरह से कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए कहां कहां लगा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में नाइट कर्फ्यू पूरे तौर पर लगा दिया गया है। लखनऊ में रात 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी गतिविधि अलाउड नहीं रहेगी। 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लगा है नाइट कर्फ्यू। तो ये भी आपको जानकारी दे दे कि वाराणसी में भी 9 बजे से वही सिस्टम है, नाइट कर्फ्यू का सिस्टम है। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। कानपुर की बात की जाए तो 10 से 6 तक नाइट कर्फ्यू रात में लगेगा। वहीं नोएडा और गाजियाबाद से भी नाइट कर्फ्यू की खबर आई है। नोएडा में 10 से 5 और गाजियाबाद में भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बरेली में भी नाइट कर्फ्यू का डीएम ने आदेश दे दिया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में नाइट कर्फ्यू है, बरेली में है, गाजियाबाद में है, वाराणसी, प्रयागराज सब में नाइट कर्फ्यू। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और स्कूल कॉलेजेस भी 17 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसकी क्या जानकारी मिल पा रही है? कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये एक बड़ा स्टेप लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही है कि क्या ये एक संदेशा है कि आने वाले समय में एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित है कि बिल्कुल सही आपने कहा है, ये बिल्कुल एक संदेश है, खास तौर पर उन लोगों को जो कि इतने सारे निर्देशों और इतने सारे प्रयासों के बाद, जागरूकता अभियानों के बाद भी कहीं ना कहीं सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। उनके लिए राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 8 ऐसे बड़े जिले हैं जिसमें लॉकडाउन कर दिया है। ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण 500 से ज्यादा है। जहां राजधानी लखनऊ की बात करें तो अकेले 6500 से ज्यादा संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। दूसरे नंबर पर वाराणसी, वहीं तीसरे नंबर पर कानपुर है। तो ऐसी स्थिति में ये वो जिले हैं, जो 8 जिले जिन पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन बावजूद बिना किसी वजह के कोई घर के बाहर इस समय में नहीं टहल पाएगा। खासतौर पर राजधानी लखनऊ में जहां शाम रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये दिशा निर्देश लागू रहेंगे। इस दौरान पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी होगी और जो भी व्यक्ति बिना किसी वजह के घूमता टहलता मिलेगा उसके ऊपर धारा 188 जो कि एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित है कि एक संदेश उन लोगों के लिए जरूर है कि अगर अब भी नहीं सुधरे और कोरोना के हालात ठीक है तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर में कोरोना पर मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा लेंगे कि आखिर कहां पर किस तरह मामले बढ़ते जा रहे हैं और उनको रोकने में सरकार क्या योगदान दे रही है। अब से कुछ ही देर में कोरोना पर मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे पीएम मोदी। देश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये भी खबरें आ रही है कि बैठक के बाद संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर पीएम मोदी की ये बैठक अहम मानी जा रही है। पूरे देश भर में हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, समीक्षा भी होगी कि जिस तरह से राज्य में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कुछ अहम काम किया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बैठक के बाद पीएम मोदी एड्रेस भी कर सकते हैं। तो बैठक के बाद संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। कोरोना के मामले जिस प्रकार से देश भर में बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हर राज्य इस वक्त अलर्ट पर है, चाहे वो बात महाराष्ट्र की जाए या उत्तर प्रदेश की जाए। सभी राज्यों में एक तरह से कर्फ्यू के ऐलान ऑलमोस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू है 17 अप्रैल तक। 4 शहरों में स्कूल और कॉलेजेस भी बंद करने का ऐलान किया जा चुका है। तो एक तरफ देखिए सरकार की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन जारी है, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए भी सरकार बार बार कह रही है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया था और उसके बाद आज
दोबारा से कोरोना को लेकर यह बैठक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर का। ब्रजेश, कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकारों द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, हर राज्य की क्यों ना बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ही 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर 4 शहरों के स्कूल और कॉलेजेस भी 17 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेहद ही क्रूशल टाइम है, वो ऐसे वक्त पर जिस वक्त जो है वैक्सीनेशन देश में तेजी के साथ चल रहा है, उस वक्त अब कोरोना की सेकेंड वेव आई, और सेकेंड वेव भी इतनी भयानक तरीके आई है कि उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 लाख का आंकड़ा पिछले एक सप्ताह में 2 बार लगातार पार कर चुके, लगातार इंफेक्शन के जो संक्रमण का दायरा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। 12 राज्य ऐसे हैं देश के जो सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की तादाद इन 12 राज्यों में है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, आगे के एक्शन प्लान बताएंगे, और इसके साथ ही उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आप इस सेकेंड वेव को रोक सकते हो, किस तरह से इसे रोका जा सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए। यूं तो 2 दिन पहले अभी कैबिनेट सचिव के स्तर की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने जो ब्यूरोक्रेट्स थे सभी राज्यों के उनके साथ प्रधानमंत्री मुखातिब हुए थे, और उन्होंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाइए जल्द से जल्द जो है। और आज मुख्यमंत्रियों के साथ वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे, तो ये बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ही अकेले आज 8,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, पूरे देश में 1 लाख 1.25 लाख तक केस पहुंच रहा है, तो अब जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े साफ तौर पर बढ़ते जा रहे हैं ब्रजेश, और इसी पर मंथन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे और मंथन करेंगे। शुक्रिया ब्रजेश जानकारी देने के लिए। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर नोएडा के कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह ने बैठक की है। ये बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है, नोएडा कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस कमिश्नर ने बैठक की है। जिले में कोरोना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह ने यह बयान भी दिया है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। अगली अहम खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। चुनाव करीब है, ऐसे में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। गोंडा से अहम जानकारी मिल पा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 307 का मुकदमा दर्ज किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट देखने को मिला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, सख्ती दिखाई है। इसको लेकर एसपी से और डीएम से रिपोर्ट भी तलब की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सभी सहायता मुहैया कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा चुके हैं। डीएम और एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। पटाखा फैक्ट्री में हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ आज न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।